एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि हमारे यहाँ ऐसे दो अफराद का निकाह हुआ जो गूंगे थे, बोल नहीं सकते थे, तो जब ईजाब व कबूली नहीं हुआ तो इनका निकाह कैसे होगा। देखें, ईजाब और कबूल का मतलब होता है, ईजाब का मतलब होता है इजाज़त, और कबूल का मतलब उसको कबूल करना, या दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि एक जब पहला कोई कदम उठाता है शादी के फरीकैन में से, उसको ईजाब से ताबीर कर देते हैं, दूसरा जब उसको कबूल कर लेता है तो उसको कबूल करना कहते हैं। ये वैसे ज़बान से होता है जबकि ज़बान से अल्फाज की अदायगी पर कुदरत हासिल हो, और अगर कोई गूंगा है या वक्ती तौर पर उसकी ज़बान बंद हो गई है, तो वो मारूफ इशारे कि जो इसके लिए मखसूस हों, जैसे जो गूंगे हजरात होते हैं उनके मखसूस इशारे होते हैं और वो उससे बाकायदा आपने देखा है गुफ्तगू करते हैं, तो अगर उन मखसूस इशारों के साथ ही निकाह हुआ था तो उनके इशारे ईजाब और कबूल के, यानी जो लफ्ज़ी ईजाब व कबूल हैं उन्हीं के कायम मकाम होते हैं, लिहाजा ये निकाह अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। और ये कहना कि जी ईजाब व कबूल ही नहीं हुआ, ये गालबन इस तरफ इशारा कर रहा है कि साइल के जहन में ये है कि जब तक अल्फाज अदा ना किए जाएँ निकाह नहीं होगा। तो ये बात ठीक है, लेकिन ये उनके लिए होता है कि जो बोलने पर कुदरत रखते हैं, गूंगों का निकाह हो जाएगा। एक ये कहते हैं कि एक औरत दूसरी से फ़ोन पर कह रही थी कि अगर फुला ने मेरा वो मसला हल कर दिया तो मैं उसे अल्लाह बनाकर पूजूंगी, हुक्म क्या है? और अगर उसको बताया जाए कि भाई आपसे गलती हुई, वो ना माने, तो रिश्तेदार उसके साथ कैसा ताल्लुक़ रखे? देखिए, पहली बात तो ये कि कलीमा एक कुफ्र है, क्योंकि एक इंसान को मैं अल्लाह बनाऊं यानी उसको माबूद करार दे दूं, अल्लाह का मतलब माबूद, तो गैरुल्लाह को माबूद करार देना ये कुफ्र है और वो दायरे इस्लाम से खारिज हो गई। अब अगरचे उसको मौका नहीं मिला, लेकिन जब किसी चीज़ का इंसान कसदो इरादा कर ले और उसमें बातिन से कोई रेजिस्टेंस बाकी ना रहे, तो वह ऐसे ही है जैसे उसका अमल कर लिया गया। तो लिहाजा उसको पहली बात तो ये कि अल्लाह के कायम मकाम बनाना है एक इंसान को, या अल्लाह के साथ साथ इसे भी खुदा मान लेना और फिर उसकी इबादत का इकरार, दोनों दार इस्लाम से खारिज करने वाली चीज़ें हैं। तजदीद ईमान, तजदीद निकाह करना होगा। अगर वो खातून तस्लीम कर ले बहुत अच्छी बात है, अगर उसने जिस औरत के सामने कहा या ज़्यादा लोगों के सामने फ़र्ज़ कर ले कहती, तो जैसा जितने लोगों के सामने कहा होता है उतने लोगों के सामने तौबा करनी होती है। एक औरत से कहा है तो बस उसके सामने तौबा करना काफ़ी है, और अगर मजमा कसीर में होता तो उतने ही मजमा कसीर के सामने ऐलानिया तौबा करनी होती और तजदीद ईमान, तजदीद निकाह होगा। अगर वो तस्लीम नहीं करती तो बिल्कुल आजकल यही हुक्म है कि सोशल बैकआउट किया जाए, कम से कम इस तरह के बड़े गुनाहों का तो किया जाए ना। हर छोटे छोटे गुनाहों का तो बहुत ही मुश्किल होता है, हर घर में बेनमाजी, हर ख़ानदान में झूठ बोलने वाले, गीबत करने वाले, तो इन पर सोशल बैकआउट बहुत मुश्किल है, कारोबारी ज़िंदगी रुकेगा। लेकिन जो बड़े कबीह किस्म के गुनाह हैं, कोई ऐलानिया जीना कर रहा है, तीन तलाक़ें देने के बाद बीवी को बग़ैर निकाह के बग़ैर हलाला के घर में रखा हुआ है और बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसी तरीके से कलीमात कुफ़्र मुंह भर भर के कहे जाएं और फिर हम उनको नज़रअंदाज करें, तो ये समझ लें दीन की तबाही की बुनियाद है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरा मशवरा ये है तमाम देखने वालों के लिए कि इस पर भी गौर कर लें कि आखिर इस तरह का जुमला क्यों ज़बान से निकला। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी चीज़ें देखी जा रही हैं, चाहे वो ड्रामे हैं, चाहे वो मूवीज़ हैं, चाहे वो किसी की भी तालीम को कबूल किया जा रहा है, कि जिसमें कोई ऐसा ही करता है कि अगर मेरे काम हो गए तो मैं फुला को खुदा बना के उसकी पूजा कर लेंगे, तो ये चीज़ें फिर मुसलमान पर भी असरअंदाज होती हैं। हम लोग बात बात कहते हैं फ़िल्म ही तो है, ड्रामा ही तो है, इसमें क्या अगर हम देख लें, तो ये पता नहीं होता कि इसके क्या मनफी असरात आपके जहन पर मुरतब हो रहे हैं, आपके बच्चों पर मुरतब हो रहे हैं। जैसे गेम्स खेलने की बच्चों को इजाज़त दे देते हैं और उसमें देवी देवता देवाओं देवताओं का जिक्र होता है, गॉड गॉडेस, और बच्चे उनको सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, वो बाज़ोकात तो उनके लिए वर्क कर रहे होते हैं, उनसे अकीदत कायम हो जाती है। भाई ये तो शिर्क की बुनियाद है बहुत बड़ी, बच्चों के जहन में शुरू से ये ख्याल आएगा कि एक खुदा नहीं है, पानी बारिश बरसाने का खुदा अलहदा है, मुश्किल हल करने का खुदा अलहदा है। इस तरह तअद्दुद इलाह का तस्वुर बच्चों के जहन में पैदा होगा और बच्चे खुदा न खास्ता बड़े होने के बाद, अगर बुलुगत के बाद, बल्कि 7 साल के बाद अगर इस तरह का कोई तस्वुर जहन में आता है तो ईमानियात पे फ़र्क पड़ने का अंदेशा होता है। इसलिए माँ बाप को अच्छी तरह सोचना चाहिए, और हमारे वो भाई बहन जो इस तरह की मूवीज़ देखते हैं कि जिनके अंदर ऐसे ही जुमले कहे जाते हैं, जिसको चाहो खुदा बना को पूजा शुरू कर दो, तो फिर वो यही एक नतीजा है। इस तरह के एक नहीं सैकड़ों नतज माशरे में मुरतब हो रहे हैं और हमारे सामने तो लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, इसलिए खुदा इस पर तवज्जो की जाए।
ये कहते हैं कि खेल कूद में हंसी मजाक में बेईमानी करना कैसा, जैसे चीटिंग कर लेते हैं, लीडो खेल लिए, गोट जो है वो उठा के साइड में रख दी, कि जैसे वो हम बाज़ों को लाल होना कहते हैं कि लाल हो गई तो वो हटा लेते हैं, तो इस तरह की बेईमानी करना कैसा है। देखें, बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि मतलब है तो ये खेल कूद, लेकिन जब इस तरह की बेईमानी करने का इंसान आदी होता है तो फिर हम बड़े भोले होते हैं। हमें नहीं पता कि हम कितनी नफ्स व शैतान की मुकम्मल तौर पे इताअतें कर रहे होते हैं। एक चीज़ में हंसी मजाक में इताअत करते हैं और फिर वो शैतान हमें दूसरी चीज़ों के अंदर उसी तरह एक गुलाम की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है और हम इताअत कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ों के अंदर भी बेईमानी या मतलब चीटिंग करना बिल्कुल शरण जायज़ नहीं होगा, इससे इज्तनाब करें। अगरचे इसकी कबाहत वैसी नहीं होती जैसे दीनी मामलात के अंदर, जैसे अमानत में खयानत कर ली, किसी का पैसा दबा लिया, रिश्वत ले ली, हराम कमा लिया, उनकी तो कबाहतें चूँकि शरई ममानअत के तहत हैं तो बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन ये उसकी तमहीद बनेगी। इसी से इंसान के अंदर जुर्रत पैदा होती है। पहले वो खेल खेल में मजाक में चीटिंग करेगा, फिर सीरियस होके करेगा, और फिर इससे बड़ा क्राइम करेगा, और फिर बाद अवकात इसका अंजाम बड़ा दर्दनाक होता है। फितने को इब्तिदाअन ही कुचलना ज़रूरी होता है। पौधे को तोड़ दें आसानी होती है, दरख्त बन जाए तो बहुत मुश्किल होता है काटना। उम्मीद है कि आप समझेंगे। एक बहन ने क्वेश्चन किया कि कहीं बकरे वगैरह जैसे कच्ची ज़मीन पर खड़े हैं, पेशाब भी करते हैं, मैंगनी वगैरह स्मेल भी हो जाती है और नापाक हैं, तो अब अगर हम उसको पाक करना चाहें तो क्या शरई तरीक़ा होगा? और ये कहते हैं इसलिए कि बाद वक़्त वहाँ से आना जाना होता है, हो सकता है कि बरहाना पाँव वहाँ पर पड़े और पाँव नापाक हो जाएँ। देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने कल के प्रोग्राम में भी गालिबन ये अर्ज़ किया था कि हर चीज़ को पाक करने का शरई लिहाज से मुतालबा नहीं होता। वहीं पर होता है कि जहाँ पर आपने इबादत अदा करनी है, या आपके जिस्म या लिबास का हिस्सा इबादत में मशगूल होगा, या फिर वहाँ पर अगर पाँव वगैरह रखें तो नापाक होने का अंदेशा है। मेरे ख्याल में जहाँ बकरे वगैरह बंधे होते हैं वहाँ पर उमूमी तौर पर इंसान जूते पहन कर ही जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जूते नापाक होंगे, पाँव नहीं, तो अगर आप उसको वैसे भी छोड़ दें तो कोई हर्ज नहीं है। फिर भी ज़मीन का हुक्म ये होता है कि अगर ये धूप से, हवा से, गर्मी से खुश्क हो जाए, नजासत इसमें जो पड़ी भी थी वो उड़ जाए, गोया के ख़त्म हो जाए, रंगत और स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए, ज़मीन पाक हो जाएगी। एक तो ये मामला होता है। दूसरा ये कि आप उस पर अगर वो, लेकिन आपने खुद मिट्टी का कहा पानी बहाएंगे तो फिर मिट्टी बहुत ज़्यादा बहेगी, तो फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि उस पर बहुत ज़्यादा इस तरह मिट्टी डाल दें कि वो बिल्कुल दबके ख़त्म हो जाए, एक हिस्सा बिल्कुल एक जैसा बन जाए और स्मेल वगैरह सारी ख़त्म हो जाए, अगर पाक करना ही मकसूद है तो। और या फिर तीसरा वही है कि आप अच्छी तरह पानी बहा दें, इतना कि आपको यकीन हो जाए कि पानी नजासत को बहा कर ले गया, तब भी वो पाक हो जाएंगे। हाँ, अगर आपने दोबारा वहीं बकरे बांधने हैं, वहीं खड़े करने हैं, तो फिर मेरे ख्याल में बार बार पाक करने का तकल्लुफ़ ना करें। फिर ऐसी सूरत में आप जूते पहन कर ही जाएँ, या अगर बरहाना पा चले भी गए और पाँव की नापाकी का अंदेशा है तो बाहर आकर अपने पाँव धो लें, उसको बार बार पाक करेंगे तो बहुत ही हर्ज में मुब्तला होने का खौफ है।